हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन चारों में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। डाइस रीडिंग के जरिए देखेंगे, डाइस रीडिंग में चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आज की करंट एनर्जी है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, और यस, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए देख रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स इनके लिए क्या है। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो कैप्रिकॉन राशि, स्कॉर्पियो राशि, टॉरस राशि, पाइसेस, वर्गो और स्कॉर्पियो, कुंभ राशि, यहाँ पर एक्यूरस राशि है, एरीज राशि है, लियो, लिब्रा भी एनर्जीज मुझे दिखी है। ओके, ऑलमोस्ट बहुत सारी साइंस आ गई हैं। नंबर 7, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 1, ओके, नंबर 26 और नंबर 9 और 6 दोनों मुझे मिला है। ओके, तो ये नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर के बर्थडे से आप में कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं। मुझे वार्डरोब दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई मुझे वार्डरोब दिख रहा है, कोई अपना वार्डरोब बंद कर रहा है ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। तो यार, अगर ये आपका है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। अब यार, वार्डरोब मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है, वो चलो आगे की रीडिंग में पता चल जाएगा कि मुझे क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज की अगर मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जो बहुत ही टॉक्सिक है, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है जो बहुत ही कार्मिक है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करते हैं और बहुत मैनिपुलेटिव है। ये जो भी इंसान जिनसे ये डील कर रहे हैं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करता है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बॉसी एनर्जी छोड़ता है या छोड़ती है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि किसी ऐसे इंसान का इनके ऊपर दबाव है, जिसके वजह से ये अपने इमोशंस को आपकी तरफ से आपके लिए हाइड कर रहे हैं। यानी कि ये व्यक्ति आपके लिए बहुत लव फील करते हैं और आपको अपना न सिर्फ सच्चा बोलते हैं लव मानते हैं, ट्रू लव मानते हैं, बल्कि अपना सच्चा दोस्त भी मानते हैं। आप इस व्यक्ति के लिए सब कुछ हो, सब कुछ मीन्स सब कुछ हो, मतलब ये इंसान अगर देखा जाए तो आपको बहुत ही अलग ही नज़रिए से देखते हैं, एक सुपीरियर एनर्जी में रखते हैं, सबसे टॉप पे रखते हैं। बट कहीं ना कहीं यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी और के कंट्रोल करने के चक्कर में, किसी के मैनिपुलेटिव एनर्जी के वजह से ये व्यक्ति आपको अपने इमोशंस हाइड नहीं करते। और ये मैनिपुलेटिव एनर्जी मुझे इमोशनल एनर्जी भी दिख रही है, कोई इमोशनल बेवकूफ़ बनाता है, इमोशनली इनको मैनिपुलेट करता है कि अरे, मतलब एक होता ना रोना धोना करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके, कैसे भाई भैया अपनी बात बनवाई जाए, वैसे लाइक कोई रोना धोना करके, एक्टिंग करके इनको अपने कंट्रोल में कर रहा है, ऐसी एनर्जी में मुझे ज़्यादा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये इनकी फैमिली हो सकती है या इनके आसपास के लोग हो सकते हैं, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा उधर दयालु और बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी एनर्जी में, गिविंग एनर्जी में आ गए, जिसके वजह से वो उनको हर्ट नहीं कर रहे, हर्ट नहीं होने दे रहे। आप दोनों के बीच में बच्चे इन्वॉल्व हो सकता है, हुए हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, बच्चों के वजह से भी चीज़ें थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिसकनेक्ट हो रही है, इशूज़ हो रही हैं, या ये दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा लाइक दिमाग से नहीं सोच पा रहे हैं, ये अपने अलग ही एक सेंटर प्लान से सोच, मतलब एक अलग ही दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं ये व्यक्ति। लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति आपके साथ इतना सच्चाई से आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे कुछ भी हो या कितने भी साल क्यों ना हो, ये व्यक्ति आपसे अभी भी बहुत अटैच्ड है, आपसे बहुत क्लोज है। और ये आपको याद करते करते बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं, कई कई बार ऐसा एक स्टेज आया है जहाँ पर ये व्यक्ति आपको सोचते सोचते बहुत इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी लोएस्ट वाइब्रेशन में चले जाते हैं, काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, काफ़ी बोलते ना अपने अंदर एक अजीब सी चीज़ें महसूस करना शुरू करते हैं, एक पेन, एक एग्जॉशन, एक तकलीफ, ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें ये कर रहे हैं वो लोगों की लाइक सबकी चिंता में, सबके स्ट्रेस में आके कर रहे हैं, इमोशनल डिसीजन हैं इनके। डिसीजन में मुझे प्रैक्टिकल डिसीजन दिख रहा है कि मतलब एक होता ना कि सोच समझ कर दिमाग से चलने वाली एनर्जी नहीं है, ऐसा लग रहा है इमोशनल फूल बन रहे हैं। और इस सब के चक्कर में ना आपको भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति घसीट रहे हैं, आपको भी पिसने दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी इनके चक्कर में बहुत बुरी तरह से मतलब हालत अपनी खराब कर रहे हो। इस व्यक्ति की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि देखो, मैं आपको एक बात खुलकर बोलूंगी, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर जो है स्मार्ट नहीं है या प्रैक्टिकल नहीं है या मैनिपुलेटिव नहीं है, नहीं, इन्होंने दुनिया के सारे चने चबा रखे हैं, इनको दुनिया का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लोगों से कैसे डील करना है सब कुछ पता है, लेकिन अपने अपनों के हाथों ही ये सबसे ज़्यादा मजबूर है, इनके अपनों की ही कहीं ना कहीं धाक इनके ऊपर जमी हुई है, जिसके वजह से ना ये बेवकूफ़ बनते हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को छोड़ना चाहते हैं, ये भी बात मैं क्लियरली बता देती हूँ। ये जो भी तीसरा व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति है, या जो भी इंसान है इनके ऊपर बॉसी एनर्जी में है, ये व्यक्ति इनके साथ नहीं रहना चाहते।
इनके साथ रहने में कोई इनका खासा इंटरेस्ट नहीं है। इट इज लाइक कि इमोशन के चक्कर में इमोशनल फूल बन रहे हैं और बहुत बेवकूफ बन रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ये व्यक्ति आपको दिन रात बहुत याद करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। ये दिल आपके लिए कामनाएं करते हैं और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 24 घंटे आप इनके बैक ऑफ माइंड में चलते रहते हो। कहीं कुछ काम कर रहे हो तो अचानक से इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप खड़े हो या आप देख रहे हो या आप बात कर रहे हो। आपके साथ बिताए हुए हर मेमोरी को, हर छोटी छोटी बात को ये व्यक्ति याद रखते हैं। हर एक चीज को इनके दिमाग में ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक एनर्जी फिट है जो ये आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ अपनी पूरी लाइफ को जीना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, खुलकर बोलते ना कि एक अलग ही एक्सपीरियंस को फेस करना चाहते हैं। ये इनफैक्ट आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं और अपने दोस्तों से, अपने लोगों से सबसे आपको मिलवाना चाहते हैं। लाइक प्राउड फील करते हैं कहीं ना कहीं, ये प्राउडली आपके साथ जो है लाइक एक ऐसी एनर्जी को फील करते हैं जिसको ये सबको दिखाना चाहते हैं। लाइक एक तरीके का समझ लो, आपको गैलरी में लगा दो, किसी म्यूजियम में लगा दो और हर किसी इंसान को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो ये जो चीज दिख रही है म्यूजियम में सबसे महंगी, ये सबसे महंगी और जो सबसे अट्रैक्टिव चीज है ये मेरी है, ये मैंने इस चीज को जो है खरीदा है, ये मेरी चॉइस है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा समझ लो कि आपको प्राउडली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सबके सामने कि देखो ये मेरी है या ये मेरा है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति इमोशनली इतने ट्रैप्ड है, इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं या इतना ओवरथिंकिंग कर रहे हैं हर चीज को लेकर, जिसके वजह से ये उस एनर्जी में स्टक हो गए और उस एनर्जी से बाहर निकल पाना इनके लिए नहीं हो पा रहा है। लाइक एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, बहाने बना रहे हैं और बार बार सोच रहे हैं नहीं आई कांट डू इट। मैं इस इंसान के साथ गलत करके, अगर मैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ गया तो मुझे कर्मा फेस करना पड़ेगा या भगवान मेरे साथ गलत करेगा या इसकी मुझे बद्दुआ लग जाएगी या इसके साथ जो मैंने कुछ गलत किया तो मैं अपनी जिंदगी में कल को फॉल कर गया तो फिर क्या होगा या मेरा नुकसान हो गया तो मैं क्या करूंगा। मतलब एक तरीके का डर है, एक डर है जो इनको सताता है, जिसके वजह से ना ये व्यक्ति आपको बोलते ना आपको अप्रोच नहीं कर पाते। वरना ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको इतना पसंद करते हैं, आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी को, केमिस्ट्री को ये इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि इनको लगता है कि अगर आप दोनों के बच्चे हुए तो वो कैसे होंगे। लाइक कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर भी इनके दिमाग में थॉट होता है कि अगर हम दोनों के बच्चे हुए तो यार किस तरीके का बच्चा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों की जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स हैं, जो सोचने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, उससे तो मेरा मतलब जो बच्चा भी होगा वो बहुत ही समझदार और स्मार्ट, बहुत इस दुनिया के हिसाब से तो बहुत ही टॉप ऑफ दी वर्ल्ड होगा। लाइक इस तरीके के इनके थॉट्स हैं। हाँ थोड़े से किडिश थॉट्स हैं आई नो, बट समवेयर ये सोचते हैं, ऐसी सब चीजें सोचते हैं। तो इनके एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है ये बहुत बुरी तरह से स्टक है और ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इट इज जस्ट ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जानबूझकर जो है ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये दूसरी तरफ किसी को हर्ट कर देंगे या दूसरी तरफ, और वो व्यक्ति इनको बहुत बुरी तरह से बोलते ना हाथ में से रख के बैठा हुआ है। लाइक उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, हर चीज में इमोशनल ड्रामा। और लिटरली मैं बोल रही हूँ कि इनके मुंह पे वो रोके दिखाते हैं और इनके पीठ पीछे ना वो बड़ी वाली डेविल वाली स्माइल होती है ना, वो होती है इनके फेस पे। तो ये कहीं ना कहीं खेल रहे हैं आपके पार्टनर के साथ और आपके पार्टनर एक नंबर बेवकूफ बन रहे हैं। ये दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन ये इस इंसान के कंट्रोल में है, इस इंसान को बेवकूफ नहीं बना पा रहे या इस इंसान से डील नहीं कर पा रहे। बेसिकली ये समझ लो ये आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप में आपके साथ दोबारा फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ये आपको इतना मिस करते हैं कि आपके बिना रह नहीं पा रहे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको अप्रोच करने के लिए, बहुत जल्दी ही ये आपको अप्रोच करेंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपसे भी ज़्यादा आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड है, ये आपसे भी ज़्यादा आपके साथ लाइफ को बिताने में इंटरेस्टेड है, ये आपकी लाइफ के साथ लाइक होता ना कि इनको लाइफ अच्छे से इंजॉय करनी है और ये आपको लेकर इतना ज़्यादा एक होता ना कि एक्साइटमेंट रखते हैं ना। इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ ये करना चाहते हैं। मैं सेक्सुअली नहीं कह रही हूँ, मैं ओवरऑल कह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो इन्होंने अभी तक नहीं की। छोटी से छोटी चीज़ें, इवन ये छोटी छोटी प्लेस पे भी अब आपके लिए जाने लगे हैं या मतलब कोई प्लेस पे विजिट भी कर रहे हैं ना, तो ये वहाँ अचानक से सोचने लग रहे हैं कि काश अगर ये यहाँ होती या ये यहाँ होता तो क्या होता। लाइक होता ना कि कल तक आपके पार्टनर बड़े सेल्फिश से रहे हैं, अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपनी धुन में इंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ ही जीते, लेकिन अब इनको पल पल में आपका ध्यान आता है। जब कुछ कहीं विजिट कर रहे हैं तब इनको आपका ध्यान आ रहा है, कुछ ले रहे हैं तब इनको आपका ध्यान आ रहा है। बेसिकली इनको याद आ रहा है कि लाइक होता ना कि एक आपके साथ बिताया हुआ समय कि आप होते तो आपका रिएक्शन कैसा होता, अगर आप रहोगे तो आपका लाइक ये अगर इन्होंने सरप्राइज दिया या ये गिफ्ट दिया तो आपका बिहेवियर कैसा रहेगा। बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही बैडली आपको मिस कर रहे हैं। और ये समझ लो, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये व्यक्ति आपके लिए तड़प रहे हैं, ये शब्द बहुत सही होगा इनके लिए कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए तड़प रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये वहाँ इमोशनल ट्रैप में फंसे होने के चक्कर में आपको आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो ये मैरिड है या तो कहीं तो इन्होंने कमिटमेंट दे रखा है, जिसकी वजह से ये जो है आपकी तरफ नहीं आ सकते या आपकी तरीके से नहीं सोचते।
ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो चीजें आपके लिए बड़ी आसान है, जो चीजें आपको लग सकता है कि इतनी इजी तो है यार, उसको छोड़े या उसको चिल्लाए या गाली दे और उसको उसको बता भगा दे और फिर मुझे अपना ले या लाइक कुछ तो एक्शन ले या मेरे पास आना इतना क्या मुश्किल है, काम के बहाने से निकल जाए और यहाँ पे मुझसे मिलके जाए या मिलके जाएगी चल जाएगा, इतना क्या इतना रॉकेट साइंस है, इतना क्या डिफिकल्ट है। बट सच में इनके लिए वो सभी चीज़ें डिफिकल्ट है, इनके ऊपर नज़र बनी रहती है, इनके ऊपर 24 घंटे पूछताछ होती है। ये अब इस जोन में जा चुके हैं जहाँ पर ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है ये व्यक्ति ये सब आपके लिए नहीं करके अपने लिए कर रहे हैं, ये खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ये आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जो इनके ऊपर बॉसी एनर्जी में है, जो इनको इमोशनली ट्रैप कर रहा है, ये इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको पता है ये आपको देर सवेर हार्म करेगा और ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इस व्यक्ति के अंदर वो एनर्जी है जहां पर ये आपको बचाने के लिए, उस इंसान से आपको दूर रखने के लिए आपसे दूरी बना रहे हैं, आपको सबोटाज करके बैठे हैं, आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, आपसे कम बात करते हैं, आपको लेकर ये कहीं ना कहीं अभी भी उस एनर्जी में है जहां पर ये आपको खोने से डरते हैं, ये डरते हैं कि आप उनके हाथ से नहीं निकल जाए, अरे मेरी जिंदगी का क्या होगा, वो वाली एनर्जी में अभी भी ये है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपको हार्म हो, आपको तकलीफ हो, या आपकी इमेज खराब हो, कल आपकी समाज में रेपुटेशन खराब हो, या कल कोई ऐसी चीज घटित हो जाए जिससे आप किसी को फेस ना कर सके, तो फिर उसके बाद इनको भी बहुत तकलीफ होगी, इनको भी बहुत चोट पहुंचेगी कि ये इनकी वजह से हुआ, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि यार राइट टाइम आएगा तो मैं इस इंसान को अप्रोच करूंगा या करूंगी वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, जिसकी वजह से आप इनके सपने देख रहे हो या तो आप इनको बहुत ज्यादा अपने आसपास महसूस करते हो। आपको हो सकता है इन दिनों या तो ज्यादा पिजन्स दिखते हैं या तो ज्यादा बर्ड्स दिखते हैं, या कुछ तरीके की एनर्जी है जो आपको ऐसा दिख रहा है कि एंजल्स के मैसेजेस बहुत मिलते हैं, आपको एंजल्स बहुत साइन देते हैं, बार बार साइन देते हैं और एक रिमाइंडर देने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हुआ है, कुछ भी नहीं खत्म हुआ है, दोबारा से सब शुरू होने वाला है और ये रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, यूनिवर्स आपको बार बार साइन दे रही है। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त कई कई बार आप साइन को समझ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज हो जा रहे हो और आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है, मैं इस इंसान को इतना याद क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर आपको उतना ही याद कर रहे हैं। इसके वजह से आपको बार बार एक रिमाइंडर, एक कॉल जा रहा है बार बार कि यार सब कुछ बदलने वाला है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइक आप कहीं ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर एक तरीके के ऐसा लग रहा है कि जैसे इस तरीके की प्रार्थनाएं या मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इनकी तरफ बने रहें, आप किसी और के ना हो जाए या किसी और को आप एंटरटेन ना करने लगे। एक तरीके की इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पजेसिव है, बहुत ज़्यादा पजेसिव है, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा पजेसिव है। ये व्यक्ति आपको लेकर पूरी तरह पागल है, पूरी तरह, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी जिंदगी को सब में सब कुछ गवा सकते हैं, अब खुद को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन ये आपको नहीं जाने दे सकते। आपने शायद इनका दीवानापन नहीं देखा, पागलपन नहीं देखा, लेकिन इनके मन में आपके लिए जो जगह है उसका मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उसका एक अलग ही बोलते ना नजरिया है या देखने का तरीका है इनका। इनका बस ऐसा है कि एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अलग है, प्यार को दिखाने का तरीका बहुत अलग है या प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि ये व्यक्ति आपसे अगर अपनी पूरी लाइफ में किसी से सच्चा प्यार कर पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत सच्चाई से चल रहे हैं। 6 और यहाँ पर 5 और 9 की कहीं ना कहीं इनिशियल्स बने हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत स्ट्रांग लव की, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन की। ये वो कनेक्शन है जो डेस्टाइंड है, कहीं ना कहीं डेस्टिनी आप लोग दोनों को एट दी एंड देर सवेर बांधेगी जरूर, कहीं ना कहीं बंधने वाली एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है यहाँ पर। आपके पार्टनर मुझे 2 फेसेस में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। करंटली आपके पार्टनर दो चेहरे बनाकर बैठे हैं, एक चेहरा वो जो उनके परिवार वाले देखना चाहते हैं और एक चेहरा वो है जो सिर्फ वो जानते हैं, जिसके बारे में उनको खबर है। यानी कि ये व्यक्ति जो दिखा रहे हैं अपने फैमिली को कि देखो मैं एकदम ठीक हूँ या ठीक हूँ, मतलब एक उतने कि जैसे बिहेव कर रहे हैं कि मैं एकदम नॉर्मल हूँ, एक्चुअल में ये व्यक्ति वैसे नहीं है। ये अंदर से बहुत पेन में है, तकलीफ में है और इनके दो चेहरे बने हुए हैं जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपना इमोशनल साइड सब छुपा रहे हैं अपने परिवार वालों से, अपने लोगों से, और कहीं ना कहीं ये सिर्फ उनको वो दिखा रहे हैं जो वो लोग देखना चाहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो ऐसा दिखा सकें कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ ट्रैक पे आ चुका है और उसके बाद ये आपको सही सेफ टाइम देखकर आपको अप्रोच कर सके। इस तरीके की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली गोल बनाकर बैठे हुए हैं, ऐसा दिख रहा है कि इस बार ये व्यक्ति अगर आपके पास वापस आए या बंदी या बंदा ये जो भी है आपके पास अगर वापस आए तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये पार्टनर आपके जो है इस बार आपको कोई तरीके का कमिटमेंट देंगे या कोई तरीके का एक वादा जरूर करेंगे, कोई वादा, कोई आपको ऐसा एहसास देंगे या कोई ऐसी बात करेंगे जो आपको डेफिनेटली शॉक करेगी, क्योंकि ये इस वक्त आपको बहुत स्ट्रांगली कुछ देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको कोई इमोशनल वादा देंगे। हाँ, इस वादे में मुझे अभी तक मैरिज नहीं मिल रही है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये मैरिज देंगे, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा वादा जिससे कहीं ना कहीं आपको एहसास कराएंगे कि देखिए यार प्यार तो तेरे से करता हूँ या करती हूँ, तो चाहे कुछ भी हो, मान नहीं मान, बट और मैं जिंदगी भर तक करूँगा,
मैं तेरे साथ हूँ, बस जो भी मेरी सिचुएशन है इसमें बस तू मेरा साथ दे। लाइक इस तरीके का ऐसा लग रहा है कि कोई वादा जरूर आपको मिलने वाला है इस व्यक्ति से। ये व्यक्ति आपको अपनी तरफ से किसी तरीके के बंधन में जरूर बांधने वाले हैं, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। हाँ, और डेफिनेटली इनका वो साइड जो इन्होंने छुपाया है सबसे, एक दर्द भरा हिस्सा जिसमें ये पेन में है, तकलीफ में है, एग्जॉशन में है, वो हिस्सा आपको देखने को मिलेगा जब आप इनके साथ यूनियन में आएंगे, और बहुत जल्द ये हो पाएगा। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि करंटली ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, ये लोगों को दिखा रहे हैं कि एकदम हैप्पी हैं, एकदम मजे में हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, ताकि ये अपना एक सेफ जोन तैयार कर सके और उसके बाद आपके साथ वापस अपनी कहानी को शुरू कर सके। एक सेकेंड, हाँ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है इस व्यक्ति की तरफ से। अच्छा, कुछ लोग मुझे बोलते हैं दीदी आप तो फास्ट बोलते हो। यार आप लोग ना यूट्यूब पे एक ऑप्शन है, वीडियो को स्लो भी कर सकते हो, स्लो करके भी सुन सकते हो, ठीक है। मैं फास्ट फास्ट बोलती हूँ क्योंकि यार मेरे साथ ना मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं साइकिक रीडर हूँ। जो साइकिक रीडर होते हैं ना, तो उन लोगों का प्रॉब्लम ये रहता है ना कि एट अ टाइम ना हमारे सामने 1000 फ्लैशेस चल रहे होते हैं, और उस 1000 फ्लैशेस में से ना एक फ्लैश को पकड़ पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे में ना मैं बड़ा फास्ट फास्ट बोलना शुरू कर देती हूँ, और मैं कब वो रिदम पकड़ लेती हूँ ना मुझे खुद भी एहसास नहीं होता है। मतलब मैं शुरू बड़ा स्लो करती हूँ, पर मैं कब उस रिदम में आ जाती हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिमाग को ना एक हैबिट सी है कि ये फ्लैश ना छूट जाए, ये चीज ना छूट जाए, वो चीज ना छूट जाए, और कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो अब वो ना मुझे बनी वाला डायलॉग मत मारना कि कुछ ना कुछ पकड़ने के चक्कर में दीदी कुछ ना कुछ छूट जरूर जाता है, बनी वाले डायलॉग मत मारना। एक्चुअली रीडिंग के टाइम पे ना मैं इतना कुछ देख, बोलते ना इनसाइट्स इतने स्ट्रांग होते हैं, इतना कुछ देख रही होती हूँ ना कि ऐसा लगता है फास्ट फास्ट बोलो, फास्ट फास्ट बोलो, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, वो छूट रहा है, तो इसके चक्कर में मेरी तेजी कम पड़ जाती है, मुझे रियलाइज नहीं होता है। तो मुझे फास्ट बोलने की आदत नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये जो एक एनर्जी है ना वो मुझे उस जोन में डाल देती है, बहुत ज्यादा उस जोन में। और कभी वो जो एनर्जी रहेगी ना एकदम लाइक होता ना कि इनसाइड बड़े स्लो आ रहे हैं या चीजें बड़ी स्मूथ स्लो चल रही है, तो मैं बड़ा स्लो बात करना शुरू कर देती हूँ। सो ये डिपेंड करता है कि मैं चीजें कब कौन सी रिफ्लेक्शन में देख रही हूँ, तो उस हिसाब की मेरी स्पीड और एनर्जी रहती है। सो यार वीडियो को तुम स्लो कर लो, तुम्हारे पास ये ऑप्शन एक जरूर है। और चलो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है। वर्कशॉप में कितने लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट किया, आई डोंट नो, दीपक देख रहे हैं सारी बुकिंग, तो अगर नहीं किया है तो यार देख लो। अगर बाद में वो बोला नहीं कि दीदी आप अपना वर्कशॉप वापस रखो, हम वापस आएंगे ज्वाइन करेंगे, कुछ भी ऐसा मत बोलना। देखो यार लिमिटेड सीट रखी थी, और फिर एक बार हो जाता है तो फिर दूसरे साल ही हम लोग नेक्स्ट ईयर ही रखते हैं। और इस बार मेरा प्लान ये है कि इस साल जो है मैं जितने भी वर्कशॉप रखूंगी वो फाइनल वर्कशॉप रखूंगी, उसके बाद शायद नेक्स्ट ईयर अब मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी। उसका रीज़न है माइंड में कुछ और चल रहा है, और ये सब टीचिंग मेथड्स है वो सब लाइक तरीके से चीज़ें चेंज करने वाली हो, तो ये सब शायद कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो देख लेना यार, लास्ट ईयर है, जिस जो भी वर्कशॉप अनाउंस हो रही है इसे एक फाइनल आउटकम समझो, जितने लोग आ सके बहुत अच्छा है, जो लोग रह गया फिर रह गया, फिर बाद में मेरे पास बताना मैसेज लेकर कि दीदी हमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। वर्कशॉप के लिए अगर ट्राई करना है, रजिस्टर करना है, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस पे आप व्हाट्सअप करो, आप दीपक आपको गाइड कर देगा रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स वगैरह। और इतना कोई मैंने महंगा वर्कशॉप नहीं रखा है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में रखा है, आप लोग बाय कर सकते हो, अपनी सीट बुक कर सकते हो, और लाइव पर्सनली मैं खुद आकर सिखा रही हूँ, इससे बेस्ट क्या होगा। स्पिरिचुअल जर्नी के रिलेटेड ये वर्कशॉप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है। सो इट्स अप टू यू, आप देखो आपको क्या लगता है सही राइट फ्रॉम, उस हिसाब से चुनाव करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग नाउ वंस अगेन, और देखेंगे आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। तुम जैसी दूसरी कोई नहीं मिल सकती, कोई शक ऐसा, ये तो मतलब बोलने की बात है ही नहीं, ये तो मालूम है हमें, इसमें कुछ नया बताओ हम लोगों को, ठीक है। ये आपके पार्टनर के मैसेज है। ओके, सब तुम्हारे बारे में मुझसे पूछते हैं भाई, हम चीज ही वही हैं, बहुत लोग पूछेंगे, अभी तो तुमने शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है तुम्हें तो और बहुत लोग पूछने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से बहुत सारे लोग आपके बारे में पूछते हैं, हो सकता है आप लोग सेम वर्क प्लेस पे थे। आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ एट द मोमेंट, ये इस वक्त अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, या अपनी हेल्थ या अपनी फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं, या मे बी अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे बारे में सबसे बात करता हूँ, आपके बारे में बड़े गप्पे हाके जाते हैं, आपके बारे में बड़े गॉसिप किए जाते हैं, भाई क्या बात है, आप लोग तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, आप तो बहुत ज्यादा ऐसा आपको लगता है कि आपके नाम भी नहीं निकलता होगा, और ये बंदा तो सोचता भी नहीं होगा, ये बंदी ये सोचती भी नहीं होगी, ये तो मेरे को देखती भी नहीं होगी, पर भाई आपके पीठ पीछे भी आपके नाम हो रहे हैं, आपका बहुत नाम किया जा रहा है। बुराइयां नहीं हो रही है, ये पॉजिटिव मैसेज है, तो यहाँ पर बहुत तारीफ हो रही है आपकी, ठीक है, तारीफ पे तारीफ। आई नो आई डोंट एडमिट इट, मैं जानता हूँ, मैं एडमिट नहीं करता इस बात को कि मैं गलत हूँ, पर मैंने तुम्हें हर्ट किया है, ये मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है, ये बात इनको पता है, फिर भी दीदी सुधरता नहीं, फिर भी दीदी एक नंबर का ऐसा है कि सुधरता नहीं, उसके बाद भी हर्ट करता है।
लाइफ में अब वो वाला स्पाइस नहीं रहा, अब इनकी जिंदगी में ना कोई भी स्पाइस नहीं रहा, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप नहीं हो तो ओके, अब अपना कॉलर जो है ना वो होता है ना घमंड में और वो अहंकार में ना हम लोग खींचते हैं कि ओ एक्सक्यूज मी हमें वो बात है, तो वो कर लो यार, बिकॉज यहाँ पर आपके पार्टनर की जिंदगी में ना सारा नमक मिर्च मसाला गायब हो चुका है, अब उनकी जिंदगी में बन गई है खिचड़ी जो बेस्वाद है, जिसमें कोई मजा नहीं है। नहीं दीदी, खिचड़ी भी टेस्टी होती है, मेरे हाथ की खा लो बहुत टेस्टी होती है, बट वेज यूजली बहुत लोग ब्लैंड एकदम सिंपल बनाते हैं, अब हर किसी को खिचड़ी अच्छी नहीं लगती, तो आपके पार्टनर की जिंदगी में अब खिचड़ी बन गई है और कुछ भी मजेदार नहीं रहा। आई स्टिल लव यू बट, इनका बट ना खत्म ही नहीं होता कभी भी नहीं। तो आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं लेकिन वो लेकिन का जवाब तो आप ही जानते हैं, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं, उसके अलावा अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्रेस में रिलेटेड जानकारी चाहिए तो अमित सर का नंबर आप लोगों को मिल जाएगा स्क्रीन के सामने, उनका व्हाट्सअप नंबर है, उसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, ध्यान रहे वो रीडिंग आपके लिए चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती। फ्री रीडिंग चाहिए तो आप लोग मेरे वेबसाइट www.thedivinetarotonline.com पे विजिट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूं, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम। एक सांस में कैसे बोलते हैं देखो, सारा प्रैक्टिस करके दिखाओ। चलो बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।